एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। हम लोग मिले थे 12th क्लास में नागपुर में, एंड अराउंड 12 साल हो गए हम लोग को साथ में। एंड साथ ही साथ ये है कि इसका नेचर काफ़ी, मतलब हम लोग का ऑपोजिट है। मैं अगर पेशेंस लेस हूँ तो उसके पास बहुत पेशेंस है, एंड जो मेरी वीकनेस है वो उसकी स्ट्रेंथ है। इसके कारण मैंने उसने डिसाइड किया था कि हम आगे अपने रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे। प्रपोजल मेरा कुछ ऐसा नहीं था, और मैंने बहुत पहले प्रपोज मारा था उसको, और मेरा प्रपोज का ये था कि मैं ये फिक्स कर लिया था कि मुझे उसी से शादी करनी है। तो मैंने उसको डायरेक्ट ये बोला था कि वो डू लाइक टू हैव अ रंजन एज योर टाइटल, और उसका फिर कुछ ऐसा जवाब नहीं आया था कुछ 2-3 दिन तक, क्योंकि हम लोग स्कूल में जाते थे फिर ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं होता था उस टाइम। तो मुझे लगा कि ठीक है अभी कुछ ऐसा नहीं है, और फिर से मुझे डेट नहीं याद है कि मैंने कब, तो 2-3 महीने बाद उसने बोला था कि यस कि हम लोग साथ में रह सकते हैं, मतलब बट दैट वाज वेरी चाइल्डिश वाला, बट दैट वाज इन 12th, एंड वही मैंने उसको पहली और आखिरी बार प्रपोज मारा है। एंड मैंने बोला था कि हम लोग साथ में रहेंगे, उसके लिए जितना भी जो भी लगेगा वो हम मैनेज करेंगे, मतलब फैमिलीज को साथ में लाना या फिर अपने कैरियर को ऊपर लेना, ये सब चीजें। बने तेरे शहर की गलियां निराली, बने मैं जाऊं वारी वारी, बहुत बार समझे हमारी बहुत इच्छा थी हम लोगों की कि विशाल की शादी करेंगे। तो हम लोगों ने काफ़ी मतलब एक जगह बातचीत किया, बट विशाल कभी बोलता था कुछ, मतलब बाप ने उसको टालने का प्रयास करता था। फिर मैंने एक दिन पूछा कि बेटा अगर ऐसा कुछ है आपके प्रति, किसी के प्रति आपका अटैचमेंट है या लगाव है तो भी बताइए हमें। तब उसने रूबी का नाम लिया, जब लिया उसने तो फादर लिए, क्योंकि हम लोग अभी उस तरह के तैयार नहीं थे। तो सुनने के बाद थोड़ा सा मुझे ये लगा, फिर मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, अगर ऐसी बात है तो हम देखते हैं, कोशिश हम लोग करेंगे कि हो जाए वो। फिर रूबी के फादर से कॉन्टेक्ट हुआ, उनकी भी थोड़ा सा मतलब ये था कि नहीं जी तो इंटर कास्ट मैरिज है कैसे होगा। फिर हम लोग ने कहा कि दुनिया बहुत परिवर्तित हो गई है और हमें इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए, बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये सारी हमें अपने आपको समझाना पड़ेगा। फिर उनके पिताजी भी राजी हो गए और हम लोगों ने उसके बाद शादी की तैयारियाँ शुरू कर दी। और आज सौभाग्य है कि आज सब हम दो अलग अलग क्षेत्र के लोग एक साथ मिल रहे हैं और एक नया संबंध बनाने जा रहे हैं। हम शुभकामनाएं देते हैं बच्चों को कि लोग खुश रहें और जिंदगी में हरदम प्रगति करते रहें। मैं थोड़ी नाराज थी इसलिए कि रवि मेरा विशाल कैसा था कि वो कुछ भी खरीदता था तो पूछता था, माँ ठीक है क्या, माँ ऐसा माँ वैसा,
तो मुझे ऐसा लगा कि विशाल तो ऐसा कर ही नहीं सकता है कि मेरे बिना मेरे बिना कुछ या कुछ भी ऐसा डिसीजन होगा, इसलिए मैं थोड़ी नाराज थी। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि चलो ठीक है, उसने उसने खुद भी कहा कि हाँ मम्मी ऐसा मैंने गलती किया है कि मैं आपसे शर्ट भी खरीदता हूँ, कुछ भी खरीदता हूँ तो पूछ के करता हूँ। आज भी वो मगर जितना भी ड्रेस पहना है या जो भी कुछ कहा है मेरे पसंद से, और उसका ये डिसीजन था कि जब तक माँ नहीं कहेगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे। तो फिर हमने 2022 में इस 3 दिसंबर को बेबी से मिलने आया। फिर उसको मिलने के बाद मैं बस फॉर्मेलिटी के लिए आई, क्योंकि ये तो फाइनल हो चुका था। लेकिन इसका यही डिसीजन था कि जब तक माँ नहीं कहेगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे। तो बच्चे अगर खुश है तो माँ को भी कहना था, लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा फील हो रहा था, इसलिए फील हो रहा था कि हमने सोचा ही नहीं था ऐसा होगा। और जो ये अच्छा हुआ, और मैं भी दोनों बच्चे से खुश हूँ, और आगे दोनों बहुत अच्छे से रहे, बस हमारी यही शुभकामनाएं। रवि की शादी की सूचना मिलने और उनके आपसी लगाव, प्यार, मोहब्बत की बात जानकर हम लोग को बहुत खुशी हुई, और उसके शादी में हम लोग सम्मिलित हुए और उसके शादी में हम लोग नाचेंगे, गाएंगे, घूमेंगे। रवि और रवि को मेरे तरफ से शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो, माई सेल्फ सोनल, और मैं विशाल झूले की भाभी हूँ, एंड मैं दोनों को रवि एंड विशाल को एंड जस्ट गिविंग लॉट ऑफ विशेस फॉर देयर हैप्पी मैरिड लाइफ। And we are so much excited for this wedding. Actually, this wedding is, you know, much awaited wedding of our family. So, wish you both a future, a great future ahead. Vishal se main dobara like bahut saal baad Bangalore mein mila tha, and Bangalore mein like mujhe pata chala like ek Ruby ke bare mein, so hum pehli baar Bangalore pe unse mile the, kya kehte hain. एंड काफी सरप्राइजिंग था जब सडनली पता चला कि हाँ विशाल इज प्लानिंग टू गेट मैरिड, एंड इट वाज लाइक अ रियली नाइस मोमेंट एंड ओकेजन एज वेल। तो काफी अच्छा लगा, एंड लाइक देन लाइक आई गेस लाइक वी सेलिब्रेटेड इट, वहाँ पे गए हमने सेलिब्रेट भी किया काफी अच्छे से, एंड नाउ वी आर हियर। लाइक बहुत जल्दी टाइम बीत गया, एंड सडनली अब शादी का दिन भी आ गया है। So it's really nice to kind of come all the way from when we were little kids and now we're adulting or whatever. So it's really interesting and great to like be able to share in these milestones. Mm-hmm. And yeah, and we got to meet Vishal and Ruby in Bangalore, ate a lot of really nice food, mm-hmm. Some nice drinks prepared by his brother. So it was a very nice interaction. Mm-hmm. And you know, I'm glad to be like a small part of their celebration right now. Hope to meet you guys again soon somewhere, mm-hmm. anywhere, Bangalore, Delhi, wherever. And wishing you guys all the best. And I know you're gonna have like a really wonderful and lovely life together. Yeah. आसमान से उठाकर विशाल भैया तारा लाए हैं, जीवन भर साथ निभाने का वादा लाए हैं। हमको चोर तो नहीं ला सकते, लेकिन साथ में ये लोग खुश रहे ये मुबारकबाद लाए। विशाल भैया, रवि भाभी,